أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سامعين। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कांची नाम का मतलब और इसकी मजीद तफसीलात क्या हैं। इस नाम की इब्तदाई तारीख हिंदी जुबान से निकलती है। ये नाम इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है या इसके स्पेलिंग क्या है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नाम का शुमार इस्लामी और हिंदी नामों में किया जाता है। इस वीडियो में आगे चल के हम देखेंगे कि इस नाम का इस्तेमाल ज्यादातर कौन से तीन ममालिक में किया जाता है, इसलिए आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को एंड तक देखें। जिन्स है लड़की, यानी इस नाम का शुमार लड़कियों के नामों में किया जाता है। इस वीडियो में आगे चल के हम देखेंगे कि इस नाम के अफराद कैसे होते हैं या उनका हसूल जिंदगी क्या होता है, इसलिए आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को एंड तक देखें। ये नाम उर्दू में 5 हरूफ और 1 लफ्ज पर मुश्तमिल है, जबकि इंग्लिश में इस नाम के हरूफ की तादाद 6 है। कांची के उर्दू मानी है कफन, कमरबंद, छोटी लड़की, जबकि इंग्लिश मीनिंग है ग्रीडल, वेस्ट बैंड और स्मॉल गर्ल। आपसे दरखास्त है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। इस नाम के अफराद के लिए हिंसों के हिसाब से खुशकिस्मत समझे जाने वाले रंगों में शामिल है सबस और पीला। जबकि बुध और जुमा के दिन को इस नाम के अफराद के लिए हिंसों के हिसाब से खुशकिस्मत समझे जाने वाले दिनों में शुमार किया जाता है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फेरोजी पत्थर को इस नाम के अफराद के लिए हिंसों के हिसाब से खुशकिस्मत समझे जाने वाले पत्थरों में शुमार किया जाता है। कांसी और तांबा को इस नाम के अफराद के लिए हिंसों के हिसाब से खुशकिस्मत समझे जाने वाले दांतों में शुमार किया जाता है। नंबर 4 को इस नाम के अफराद के लिए हिंसों के हिसाब से खुशकिस्मत समझे जाने वाले नंबरों में शुमार किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि कांची नाम का ज्यादातर इस्तेमाल हिंदू मजहब में किया जाता है, इसलिए इसकी मिसाल है कांची मेहता। इस नाम का ज्यादातर इस्तेमाल जिन ममालिक में किया जाता है उसमें सरफ़रिस्त है कुवैत, नंबर 2 पर है नेपाल और नंबर 3 पर है इंडिया। इस नाम के अफराद के बारे में यह समझा जाता है कि ये बहुत ज्यादा हसास तबीयत के मालिक होते हैं और अपनी माली हालात को बेहतर बनाने की कोशिश में रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप किसी और नाम के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपना पूरा नाम कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।